सीटी मार दिया। नमस्कार, जय जवाहर सोमवारी हो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने व्यापार में थोड़ा सा व्यस्त था, काम में व्यस्त था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। तो आज हम कुछ फ्रेंड्स, मेरे बिजनेस कलीग्स मिल करके जा रहे हैं धमतरी। धमतरी के थिएटर ओनर्स हैं शांति लुंकट जी, उनके पास में हम जा रहे हैं और देखते हैं। रायपुर से धमतरी का रोड ट्रिप है और वहाँ क्या क्या करते हैं। तो लिखे थे ना, तो क्या नए साल की बधाई में जैसा प्यार इस साल दिए, वैसे ही प्यार अगले साल तो। मैं बोला आप ही को मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, आप नहीं बदले हैं, कलेक्टर बदलने वाला है। भूत हो गया महापौर। महापौर कांग्रेस का बना ना अपने यहाँ 6 तारीख को है भैया काम महापौर बनने का, बड़ा संघर्ष चल रहा है। उसी के लिए तो मैं कल देखा वो धमतरी तरफ ही लाए हैं, सुना हूँ उन लोग को सबको। ऐसा अगर तुम कमाए हो तो बताओ, खर्चा करवाने का रास्ता मेरे पास। बाकी तुम्हें फिल्में अगर लेना है और वहाँ तुम्हें शहीद होना है तो वहाँ चले। सर नमस्ते। बड़ा की इतनी अच्छी दुकान खोले, तुमने गलती की, मैं की क्या भैया? ये बाहर जाने का रास्ता है, मन घुसर गए। हम लोग गलत घुस रहे थे, इसलिए ऑटो वाला एकदम अकड़ में था। अकड़ में था और हम यहाँ लगाएंगे गड़िया। क्यों भैया, दही तो नहीं खाना यार, बढ़िया मीठा है। आओ सर। दही एक जगह मिलता है। हाँ, चम्मच मिलेगा ना, बिना चम्मच से खाना है। दो नजर नहीं पक्का। ढोकला खाओ, बहुत बढ़िया। ए दो पीस और दो ढोकला, एक जगह और तो ढोक राज भाई, यानी बड़ा दो समोसा। ये तो है ना, दही चीज ट्राई कर रहा है, मीठा चटनी डाल देना। चले। अच्छा, मेरे को लगा अपनी गाड़ी पलट गई क्या। एवरीबॉडी, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं धमतरी के, मतलब सिनेमा देवश्री टाकीज में, जिधर हम मुलाकात करेंगे शांति लाल जी रुंकड़, नगर सेठ धमतरी। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा धमतरी का फेमस दही बड़ा। फेमस दही बड़ा तो दही बड़ा नहीं, धमतरी का फेमस बड़ा नहीं, फिर से लेता। तो दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा धमतरी का फेमस बड़ा, फेमस बड़ा, फेमस बड़ा। तो वो फेमस बड़ा हमने खा लिया है और मैंने नया टेस्ट ट्विस्ट करके देखा। यहाँ पर ओम डेयरी करके एक जगह है जहाँ पर कुल्हड़ दही मिलता है, वो कुल्हड़ दही को लेकर के मैंने दही को बड़े के साथ में खाया, तो नया ट्विस्ट था, इंटरेस्टिंग था। चलो हम लोग अब जा रहे हैं थिएटर की तरफ। एक फ्लेक्स पड़ा है। देखिए, मेरे पीछे जो सिनेमा दिख रहा है ये है विमल धमतरी, और यहाँ से हम जाएंगे, ये आएगा देवश्री धमतरी। ये जिनेंद्र गुरुदेव, तो पांच हो गए ना, अब पांच हो गए। देखिए पांच का बोला, अब पांच हो गए ना, अपने आप को छोड़ के बोले।
भूले बिसरे गीत का नागपुर की पार्टी आती है शायद फैंटास्टिक है वो जो मैं दोनों नहीं लूंगा क्यों यार नहीं मैं वो अपने छत्तीसगढ़ी कब से जा रहे हैं आप एक फरवरी से 15 मार्च तक छैया भुइया टीम में काम करने वाला आर्टिस्ट किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगा 45 दिन मेरे पास रहेगा तो परेशानी आती बाद में डेट लगा फिर बहुत कर देते तुम क्या फोन उन उठा लेते तो हम लोग फिर खाना खाने का इंतजाम करते तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे तो क्या चलो चलो चले आते हैं अगेन बताइए आपको शूट निपटाइए गाड़ी आपकी जो मस्त रहे फिलहाल जब हम गंगरेल डैम की तरफ जा रहे थे तो एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है धमतरी में सतीश जैन जी जिन्होंने हंस जन पगली फंस जबे बनाई थी उसको भोजपुरी में वो बना रहे हैं हंस मत पगली फंस जाएगी तो उसके शूट में कुछ देर के लिए हमने ब्रेक लिया था सतीश जैन जी से मुलाकात की है और फिलहाल यहाँ पर भी लंच ब्रेक हुआ है हम लोग भी जा रहे हैं लंच करने के लिए धमतरी अचानक प्लान बना लंच रिसोर्ट में जाकर वहाँ करेंगे ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो शूट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये क्रेन है ट्रॉली है दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टर इस गाड़ी में सारे इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं दिस इज़ डीजी टेंपल का सीन लिया जा रहा है बुकिंग करने के लिए किसको फोन करें ऐसा हो जाता है इतने सारे वो सब बनाए हैं जय जय श्री राम बुकिंग है हमारी फिलहाल हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ये तो हम लोग पहुँच गए हैं गंगरेल डैम के रिसॉर्ट में लंच टाइम है ना जाओ फिलहाल तुम आ ही गए फिलहाल हम आ गए आ ही गए तो देख लीजिए फिलहाल रश बहुत है बोले नहीं मैं फोटो ले तो संडे का रश यहाँ पर दिख रहा है और लंच के लिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे थोड़ी सी जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो मैं जानता हूँ शायद आप लोग के काम है बहुत सारे वीडियोस तो बने हैं इस रिसॉर्ट को लेकर के एक चीज़ कहना चाहूँगा लोग ये कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का गोवा है तो मैं ये कहता हूँ छत्तीसगढ़ का गोवा क्यों कह रहे हैं आप लोग ये अपने आप में एक खूबसूरत लोकेशन है बहुत अच्छा प्यारा डेस्टिनेशन है गंगरेल डैम है हम इसको गंगरेल डैम के नाम से ही जाने तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा ना कि इसे कुछ उपनाम दें क्योंकि हमारी बहुत आदत हो चुकी है उपनाम देने की रायपुर में जो तालाब है तेलीबांधा तालाब उसे लोग मरीन ड्राइव कहकर बुलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का उपनाम किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है ये अपने आप में एक खूबसूरत लोकेशन है उसे इसी नाम से बुलाना चाहिए लकी लोग कहाँ गए अच्छा आगे चले गए तो संडे की रश है मैं पहले तो एक्सप्लोर करता हूँ खुद देखता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं और
मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी आप घूमने आते हैं तो संडे को मत आइए, अदरवाइज आपको इसी तरीके से रश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आकर के बोटिंग कर सकते हैं, आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा। टिकट परचेस करने के बाद आप आगे जब जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की बोटिंग है, सिंगल राइड है, ग्रुप में जा सकते हैं, एक शिप की तरह चीज़ बनाई गई है उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, आप आकर के यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, बट वही है कि संडे को अगर आप आते हैं तो इसी तरीके से रश आपको मिलेगा और बोटिंग के लिए आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट परचेस करना है। कॉटेज का व्यू कैसे दिखता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपको एक बात और है कि जिस तरह का ये कॉटेज बना है और जितनी रश यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आकर के आपको वो कॉटेज वाली फील मिलती होगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि पब्लिक के बीच में रह के आप क्या एंजॉय करोगे यार, एंड इट इज़ टू मच कॉस्टली, यू नो। हो सकता है संडे इस वजह से रश थोड़ा ज़्यादा दिख रहा हो, नॉर्मल डेज पे आप कॉटेज बुक करके मे भी यहाँ पर एंजॉय कर पाए। अभी हम चलते हैं लंच के लिए, देखते हैं अगर रश थोड़ा कम हुआ हो तो लंच करें। वैसे आपको बता दूं कि कॉटेज में रश होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल अब क्या बोलूं, सब चल रहा है, इस वजह से रश है, आज कॉटेज में भी भीड़ है। ये लोहा नहीं है? नहीं, वो है यूपीवीसी। पहले से है ये, मतलब ये ठीक था कि उतने दूर में था आदमी को, अब इन लोगों का पूरा व्यू भी खराब कर दिया उसको करके। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका है ख़त्म और अब हम निकल रहे हैं वापस रायपुर के लिए। बीच में शूट है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जान लिया हूँ, बढ़िया ले जा रहा हूँ। महाराज देव का जाम बहुत फेमस हो गया।